चलिए आज के सेशंस के अंदर अस्सलाम वालेकुम राहिल तारिक आइटेकनेट्स की जानब से आज के में हम एक नए सेशन के साथ आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन कि कितने किस्म की वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्रीज के अंदर अवेलेबल हैं और आईटी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी वर्चुअलाइजेशन पे काम बहुत ज़्यादा होता है वर्चुअलाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पर तो अदर देन बात करेंगे बेनिफिट्स पर लेकिन आज के सेशन में सिर्फ ओनली टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में जैसे आपके सामने स्लाइड्स ओपन हैं तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया अगर हम बात करें 2003 से ठीक है ऑनवर्ड लेके आज 2023 हो चुके थे 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है इंडस्ट्री के अंदर वर्चुअलाइजेशन को लॉन्च हुए तो जब शुरू में वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था ठीक है तो तब बियर मेटल वर्चुअलाइजेशन जिसे हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं ठीक है एक फिजिकल सर्वर्स के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया ठीक है जिसे आप दूसरे वर्ड्स में OSB कह सकते हैं ठीक है तो उस बेस पे हम इंडस्ट्री के अंदर से कह सकते हैं कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन ताकि जहाँ पे हम 10 फिजिकल सर्वर यूज़ करते थे वर्चुअलाइजेशन कहने के बाद एक ही फिजिकल सर्वर और उसके अंदर 10 OS क्या 20 क्या 100 क्या 1000 क्या 10000 भी आप एक फिजिकल सर्वर के अंदर जो है फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहाँ से एक स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट सर्वर वर्चुअलाइजेशन का उसके बाद मार्केट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया डिफरेंट कंपनीज ने जिसमें से टॉप ऑफ देम अगर VMware की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम VMware का ऑफिशियल सेशन है हमारा तो VMware कंपनी ने नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाया ठीक है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर जहाँ पे आप मल्टीपल बॉक्सेस यूज़ करते हैं अपने एनवायरमेंट्स को नेटवर्क इंफ्रा सेटअप करने के लिए वहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस के बजाय आप सिंगल डिवाइसेस के ऊपर ही अपना कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के थ्रू ये काम आप कर सकते हैं हाँ कभी अगर हमने सीरीज इंशाल्लाह लॉन्च की नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर मिल सकती हैं कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में कैसे काम करता है ये भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ठीक है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का हॉट प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन पहले ऐसा होता था कि हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ की जाती थी स्टोरेज का पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दौर में जो है डिफरेंट किसी हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करते हुए उसके ऊपर VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे vsan ठीक है तो उसे आप जो है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ठीक है VDI जिसे हम वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर ओल्ड है 20-22 साल हो चुके हैं से भी इंडस्ट्री में आए हुए लेकिन जब VMware ने से अपना डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो VMware ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बेहतर फीचर इंट्रोड्यूस करवाए ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स थे और आज भी उन फीचर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर ठीक है कि जैसे आप यूज़ करके एक पूरे अपने एनवायरमेंट्स को जो है वो वर्चुअलाइज कर सकते हैं डेस्कटॉप पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फोर टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन है सर्वर वर्चुअलाइजेशन है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है क्योंकि हमारी ये सीरीज जो है बेसिकली सर्वर वर्चुअलाइजेशन पे है नेटवर्क स्टोरेज या डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन पे नहीं है लेकिन आज के सेशन में सिर्फ हमने कवर करना था कि टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन पर ये फोर टाइप्स की वर्चुअलाइजेशन जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है थैंक यू